मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे अंतर्गत ग्राम दुलारी का मजरा निवासी एक पीड़ित परिवार ने दबंगों द्वारा किए गए हमले के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। बुधवार को पीड़ित परिवार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एक शिकायती पत्र पेश किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांव के हरपाल एवं सावित्री उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का समय समय पर प्रयास करते हैं। इसी रंजिश के तहत गत 3 जनवरी को परिवार के सदस्य 14 वर्षीय दीपक व 13 वर्षीय रंजीत को दबंगों ने उस वक्त मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया जब वे अपनी साइकिल से घर की तरफ आ रहे थे। आरोप है कि जानलेवा हमले में दीपक के कान का पर्दा फट गया, जिसका जिला संयुक्त चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। यह भी आरोप लगाया है कि हरपाल व अन्य लोगों ने दोनों की साइकिल भी छीन ली। एसएसपी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्रीय थाना पुलिस को सूचना देने के बाद भी अभी तक उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। एसएसपी से दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कठोर कार्यवाही की जाने की मांग उठाई गई है। पीड़िता ज्ञानवती पत्नी चंद्रकेश ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया है कि नवापुरा से थाना कौन सा लगता है? मुंडा पांडे। क्या मामला है? बच्चे शाम के घन पढ़ कर खेत पे गए थे, वो घास लगाए बैठा था, हरपाल नाम का लड़का है, तो इनसे मारपीट करी और इनकी साइकिल छीनी। एक लड़का उनमें से भगाया, तो मुझे मेडिकल पर दवाई लेने आई तो मुझे मिल गया, तो मुझे ले गए लगा के, तो छीना जाती गई, मेरी नाक की खून भी छू गई और जमीन का मामला है, उसी में शराब पियाता है और उसमें रहता है। इन लोगों से आपकी क्या रंजिश है? रंजित जमीन की है, जमीन छीन ली है जबरिया। आपकी जमीन छीन ली है? छीनना चाह रहे हैं। क्या नाम है इन लोगों के? हरपाल नाम है और तो मैं नीना जानती हूँ, उनके लड़के को नाम नहीं जानती, खाली हरपाल को जानती हूँ, उसके बाप के नाम को जानती हूँ। आपने कोई रिपोर्ट कराई? कराई थाने में कराई, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो राशि दरोगा है तो वो अपने ऐसे ही मिलेगी ना हमें, मैडम ने लिख के हमें घर भेज दिया। फिर आप किन के खिलाफ कार्रवाई करती हैं? हम हरपाल के और लाल तकर साहब। आज किससे मिले हैं? आज कप्तान से मिले, तो वो मिले। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है, हमारे बच्चे दीपक का जो मारा है, कान का पर्दा फट गया है, उसे वो मिलनी चाहिए, जो इतना हुई है उसके साथ में उसे दंड मिलना चाहिए। इसके खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक।